मुख्तार अंसारी की मौत की जो रिपोर्ट है वो शासन को भेजी गई, उसमें जो है रिपोर्ट में देखिए हम बताएं आपको, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस पे आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जो पक्ष सरकार या उनकी एजेंसी की तरफ से आपको प्राप्त होता है आप लिखते हो, हम कभी उस पर इतराज करने नहीं आते। हमने उस समय भी कहा था कि वो सरकार प्रायोजित हत्या थी और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुख्तार की हत्या हो जाए, उसका दूसरा एक अर्थ था, वो सरकार की गोद में पल रहे देश के सबसे बड़े माफिया सरगना को बचाने का एक प्रयास था और उसकी उसके विरुद्ध जो मुकदमा है मुख्तार अंसारी की गवाही के बाद अब उसके भविष्य को कुछ कहा नहीं जा सकता था, वो कानून उसको दंड दे देता, तो उस केस के सारे गवाहों को तो मुलजिम बना के एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। एक स्टोरी है 15 जुलाई सन 2001 की और उसी दिन पुलिस एफआईआर लिखती है और सारे कार्रवाई होती है, और एक स्टोरी 23 बरस के बाद लिखी जाती है उसी घटना की, हाँ कि वो सब झूठी है, असली तो ये है कि उसको घर से लाके इन लोगों ने यहां मार दिया था और उसको वहां फेंक दिया, और उस स्टोरी के धार पे चल के सारे गवाहों को पकड़कर जो गोलियों से जख्मी हैं जेल में डाला गया, सब जेल में बंद है, आज भी जेल में बंद है। चार्जशीट लग गई, एसआईटी का गठन करके चार्जशीट हो गई, एक एक गवाह को विवश किया गया कि आप मत गवाही दीजिए, वो हमारी सरकार के द्वारा पाला गया एक माफिया सरगना है। और ऐसे लोग और ऐसी व्यवस्था अगर नैतिकता की बात कानून व्यवस्था की बात करती है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ और कुछ हो नहीं। मैंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस घटना के घटने से पहले सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल है और उसमें ये सारा घटनाक्रम ऐसे किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा, इसके बारे में कहा गया और सुरक्षा की मांग की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां जाके हलफनामा दिया कि ये चाक चौबंद व्यवस्था है, इतने कैमरे लगे हैं, इतने डिप्टी जेलर, इतने जेलर, इतना ये वो, खानों का उनका टेस्ट अलग और मेडिकल फैसिलिटीज अलग, सारी चीजें वहां मैटर सब जुडिस है। कहा गया है कि चुनाव के दौरान इनकी हत्या होगी क्योंकि उसका लाभ चुनाव में लेना है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इसको चुनाव बाद सुनेंगे और डायरेक्शन दिया कि कोई अनहोनी घटना नहीं घटनी चाहिए, यह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी हो, और उसके बाद भी घटना घट गई और उसकी रिपोर्ट भी प्रेजेंट हो गई कि हार्ट अटैक है। आप बताइए ना जरा सा, इतने सीनियर पत्रकार हो, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, भारत में एक भी कस्टोडियल डेथ हुई हो मुख्तार अंसारी की थोड़ी देर के लिए अलग रखे, भारत में एक भी कस्टोडियल डेथ जेल में या थाने में रास्ता में किसी की भी कस्टोडियल डेथ, एक भी कस्टोडियल डेथ हुई है तो उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच हुई है, ये तो हमारे नियम में है, इसमें किसी की कृपा कहां है। गाजीपुर जेल में अगर कोई टीबी से भी मर जाएगा तो उसकी भी मजिस्ट्रेटियल, ये हमारा नियम है कि कस्टोडियल डेथ की जांच कराई जाएगी। सुनिए ना, प्रश्न यहां नहीं बनता है, जब कस्टोडियल डेथ हर डेथ की जांच होती है तो वही एक प्रक्रिया है। अब आप इसको हाईलाइट करते हैं, अरे इसमें तो जांच हो रही है और जांच का रिजल्ट है, वो जांच ही इसलिए होती है कि जो कुछ है उस पर मिट्टी डाल दिया जाए। तो आपको क्या लगता है रिपोर्ट मिट्टी डालने का?
हम क्यों कहें, हमको जो कुछ कहना है हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहेंगे, हम आज तक के सामने कहें कि आप इसको दूसरी तरह से परोस करके, और कल वहां वकील सरकार का खड़ा होकर कहे कि देखिए साहब ये तो मीडिया में ये कह रहे हैं। हम जब एक मैटर सब जुडिश है, देश के सर्वोच्च न्यायालय में सब जुडिश, आज भी सब जुडिश है, वहां से जो आदेश होगा हम मान लेंगे, लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश न हो और आप चाहते हो कि अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दे तो दे दीजिए, मजिस्ट्रेट ने भी दे दिया आप भी दे दीजिए, हमें एतराज नहीं है, आप दे सकते हो, लेकिन फैसला कोर्ट में होगा। हम लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट तो इस पे सुनेगा, कुछ कहेगा ना, हम उसका इंतजार करेंगे।